सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है वो कैब की महामैराथन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग टॉप 100 वो कैब सीखेंगे। तो हमने कहा दोस्तों कि आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, और एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए। दीपक, आशीष, मोहित, पंकज, अभिषेक, नील प्रताप, नितेश कुशवाहा, नितिन राठौर, आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, तो हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, एयरफोर्स स्पेशल टॉप 100 वो कैब महामैराथन। तो आज हम लोग टॉप 100 वो कैब की महामैराथन लेकर आए हैं और इसमें जो है हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर दोस्तों अगर जो है आप हमारे साथ बने हैं तो आपको निश्चित ही हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, देखिए लिखा भी है कि महामैराथन भी आपकी आ रही है दोस्तों, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल देखेंगे, 50 गोल्डन रूल देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का दोस्तों, और ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रहेगा दोस्तों, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पूरा हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे। हमने कहा दोस्तों कि अगर आप हमारे साथ बन गए हैं तो आपको निश्चित ही पर डे कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वर्ड, देखते हैं कि आज के वर्ड में दोस्तों आपके लिए क्या है। उसके लिए आपको एक सूचना और दे दे दोस्तों कि एयरफोर्स की जो नई बैच है आपकी, दोस्तों वो दिसंबर से शुरू होगी, और इसलिए जो बच्चे इस बार इंटर में हो या नाइन्थ में हो उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा कि आप जो है दिसंबर वाली बैच में जुड़िए, उसमें आपको और अच्छा महसूस होगा दोस्तों, और उसमें आपको और अच्छा मटेरियल दिया जाएगा। इसके लिए आप प्रयास करिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्त, अपने सर, अपने भाई का सहयोग करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आज का हमारा पहला वर्ड क्या है देखते हैं दोस्तों, कि आज हमारा पहले वर्ड में क्या रहेगा दोस्तों। तो आज के पहले वर्ड में आपको मिलेगा, पहला वर्ड लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देखिएगा, पहला वर्ड है इकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इकोलॉजी। अब यहां पर देख रहे हैं दोस्तों लॉजी लिखा हुआ है, और हमने बताया, हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर आपको लॉजी मिल जाए, लॉजी वर्ड अगर आपको मिल जाएगा तो आप जान लीजिएगा दोस्तों, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और इसका मतलब स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल दियर इन्वायरमेंट। इको का मतलब होता है पर्यावरण, तो वही चीज है, देखो होता नहीं है कि इकोलॉजी, तो इको मतलब होता है दोस्तों पर्यावरण। तो जब पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं इकोलॉजी, या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन। तो टू कीप इकोलॉजी इन बैलेंस इज आवर ड्यूटी, मतलब पर्यावरण का या पारिस्थितिकी विज्ञान का जो बैलेंस है दोस्तों वो हमारी ड्यूटी है, कि मतलब पेड़ों को काटने से रोका जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिल सके दोस्तों। आगे देखते हैं, दूसरा है ग्लोजरी। जी हाँ दोस्तों, ग्लोजरी का मतलब क्या होता है, ग्लोजरी का मतलब होता है दोस्तों शब्दावली, अर्थात वर्ड के जो आपके वर्ड होते हैं, वर्ड को जब इकट्ठा किया जाता है दोस्तों, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, वही चीज़ है आपका ग्लोजरी, यानी कि ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेन ऑफ रेट टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड, अर्थात शब्दावली दोस्तों, जो वर्ड के आपके मतलब कि जो वर्ड इकट्ठा रहते हैं दोस्तों, वही चीज़ आपकी ग्लोजरी कहलाती है, या जिसको कहते हैं शब्दावली। वहीं अगर हम अगले वर्ड पर चर्चा करें दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, अगला वर्ड है, लिखा है क्या कह रहा है कि सेलार। जी हाँ दोस्तों, सेलार, CELAR, सेलार। सेलार का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सेलार का मतलब होता है कोठरी या तहखाना। तो जो आपकी कोठरी या तहखाना होती है उसका मीनिंग होता है सेलार, या फिर अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्ट्रॉन्ग वाइन ओ आर
अदर प्रिविजन, मतलब जो आपकी शराब के लिए जो तहखाना बनाया जाता है या किसी अन्य चीज़ों के लिए जो तहखाना बनाया जाता है उसे कहते हैं सेलार। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो क्या है, देखिएगा एग्जोनरेट, एग्जोनरेट का मतलब क्या होता है, एग्जोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करने का मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों एग्जोनरेट का मतलब क्या हुआ, देखिएगा दोष मुक्त करना, और दोष मुक्त करने का मतलब जैसे अगर कोई दोषी व्यक्ति हो और उसको माफ कर दिया जाए तो वही चीज है हमारा दोष मुक्त करना। आगे देखते हैं दोस्तों अगला वर्ड क्या है, वर्ड नंबर 105 में देखते हैं दोस्तों लिखा हुआ है आर्मेचर, एमेच्योर, जी हाँ दोस्तों एमेच्योर, देखिए मेच्योर से बना हुआ है AMATURE, देखिए मेच्योर, मेच्योर का तो मतलब हो गया दोस्तों, मेच्योर का मतलब हो गया कि परिपक्व हो कोई, जो जानकार हो, अनुभवी हो, उसी में देखिए आगे ए लग गया, प्रीफिक्स लग गया दोस्तों। और मैंने महामैराथन में बताया था कि जब भी कोई प्रीफिक्स लगता है तो वो 90-95% तक आपका अपोजिट वर्ड देता है। तो ए मेच्योर मतलब अपरिपक्व या नौसिखिया या शौकीन जो होता है दोस्तों उसे ए मेच्योर कहते हैं। और आगे वर्ड की बात करें दोस्तों तो आगे देखिएगा अगला लिखा हुआ है दोस्तों पोइनीर, जी हाँ दोस्तों पोइनीर, पोइनीर का मतलब क्या हुआ, या फिर आप पियोनीर भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पोइनीर का मतलब हुआ वन हु डज समथिंग फॉर द टाइम, जो अपने समय के लिए कुछ करता है दोस्तों वही आपका पोइनीर कहलाता है, या फिर अग्रिम या प्रणेता या मार्ग निर्माता उसे कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। आगे देखते हैं सातवां देख रहे हैं दोस्तों ब्यूरोक्रेसी, जी हाँ सातवां है हम लोगों का ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हुआ आप समझिए पहले, ब्यूरोक्रेसी देख रहे होंगे अब देखिएगा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों नौकरशाही, जी हाँ दोस्तों ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, या ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, मतलब कोई सरकारी नौकर हो उसे ही कहते हैं दोस्तों नौकरशाही, मतलब सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उन्हें ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों पोर्टेबल, तो पोर्टेबल का मतलब होता है दोस्तों पीने योग्य, जी हाँ पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, दैट विच कैन बी ड्रंक, दैट माने वह जो, मतलब जिसे, विच कैन बी ड्रंक मतलब जिसे पिया जा सके उसे कहते हैं दोस्तों पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मतलब जिसे पिया जा सके। हमने कहा दोस्तों आज हम हर इंपॉर्टेंट वर्ड पर चर्चा करेंगे। आगे अगर वहीं बात करें दोस्तों तो मेडिक्योर, मेडिक्योर का मतलब क्या हुआ देखते हैं, मेडिक्योर का मतलब देखिए, मेडिक्योर का मतलब होता है दोस्तों औसत दर्जे का, जी हाँ दोस्तों वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नर डन, मतलब ना तो कोई ज्यादा बुद्धिमान हो ना तो एकदम मूर्ख हो उसे ही कहते हैं दोस्तों औसत दर्जे का या फिर मेडिक्योर, ठीक। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है कि संयमी, पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब संयमी दोस्तों उसे कहते हैं एसेट, एस मतलब कि एसेटिक, एसेटिक का मतलब हो गया दोस्तों संयमी। आगे वहीं बात करें दोस्तों अगले वर्ड पर चर्चा करें, देखिए अल्ट्रुइस्ट, आगे वहीं बात करें दोस्तों अगले वर्ड पर चर्चा करें, देखिए अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है दोस्तों परोपकारी, जी हाँ दोस्तों अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी उसे कहते हैं दोस्तों अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी। वहीं अगर हैमलेट की बात करें दोस्तों तो हैमलेट का मतलब कि कुछ लोगों का जो समूह होता है या छोटा सा जो गाँव हो जिसमें कुछ परिवार हो दोस्तों वही आपका हैमलेट कहलाता है, ए स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउसेज, मतलब कि एक घर का समूह हो या एक छोटा सा गांव दोस्तों उसे ही कहते हैं हैमलेट, हैमलेट का मतलब एक छोटा सा गांव या फिर दोस्तों क्या हुआ छोटा गांव। वहीं अगर हम अगले बात करें अगले वर्ड पर 113वें वर्ड पर बात करें दोस्तों तो 113वां वर्ड क्या कह रहा है देखिएगा सिलेबल, जी हाँ दोस्तों सिलेबल, सिलेबल का मतलब क्या हुआ जब आप कोई उच्चारण करते हैं तो उसमें जो आप अंतराल लेते हैं दोस्तों, जो उसमें अंतराल लेते हैं जो गैप लेते हैं वही आपका सिलेबल कहलाता है। और सिलेबल का मतलब होता है दोस्तों शब्द खंड, मतलब एक शब्द को बोलने के बाद दूसरा शब्द जब आप बोलते हैं तो उसमें जो गैप होता है दोस्तों वही आपका सिलेबल कहलाता है, शब्द खंड कहलाता है। ए पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, मतलब
कोई वर्ड हो उसका जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसको जो पार्टीशन करके जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वही आपका सिलेबल कहलाता है। वहीं अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें दोस्तों, तो एब्सोल्यूट के मतलब हो गया अप्रचलित या फिर पासिंग आउट ऑफ यूज, जो कि यूज में ना हो दोस्तों। वहीं अगले वर्ड की बात करें दोस्तों, कॉकटेल। कॉकटेल, कॉकटेल का मतलब होता है दोस्तों ए ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल ड्रिंक। मतलब कॉकटेल का मतलब होता है दोस्तों शराब, और शराब में कोई और चीज अगर मिला दी जाए तो वही चीज आपकी हो जाती है कॉकटेल। ठीक, तो कॉकटेल का मतलब होता है दोस्तों मिश्रित शराब। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों बोवाइन, तो बोवाइन का मैंने एक बार और बताया था दोस्तों, बोवाइन, बोवाइन का मतलब होता है देखिए गाय का बच्चा, गाय या बैल का जो बच्चा होता है दोस्तों उसे ही कहते हैं बोवाइन। गाय की तरह इसको कह सकते हैं, गाय से संबंधित इसको कह सकते हैं। अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका हो जाएगा अफेक्शनेट। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, अफेक्टिंग ऑफ रिलेटिंग टू काऊ, यानी कि गाय से संबंधित बोवी, बोवी का मतलब मैंने बताया था बोवी साइड, मैंने एक दिन बताया था दोस्तों बोवी साइड, तो बोवी साइड का हमने बताया था, और बोवी साइड का मतलब हमने बताया था दोस्तों बोवी का मतलब होता है जानवर या गाय का हत्या, तो गाय की जो हत्या की जाती है दोस्तों उसे बोवी साइड कहते हैं। वहीं से बना है दोस्तों बोवी वाइन, बोवी वाइन का मतलब हुआ गाय या बैल से संबंधित जो होता है उसे बोवी वाइन कहते हैं। वहीं आगे हम बात करें दोस्तों कॉन्टेंजेंसी, कॉन्टेंजेंसी का मतलब क्या हुआ देखिएगा, कॉन्टेंजेंसी का मतलब हुआ दोस्तों संभाव्य, कॉन्टेंजेंसी का मतलब हुआ दोस्तों संभाव्य। इसको जब आप दो तीन बार देखेंगे दोस्तों तो एकदम क्लियर हो जाएगा, समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, जो चीज भविष्य में घटित हो ना हो दोस्तों उसी की जो संभावना बनाई जाती है वही है कंटेंजेंसी या फिर संभाव्य जिसको कहते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों पेंशियंट, ठीक, या पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब होता है दोस्तों पसंद, ए स्पेशल फाउंडनेस ओ आर लाइकिंग फॉर, या फिर दोस्तों पसंद जिसको कहते हैं उसे ही कहते हैं दोस्तों पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब हो गया दोस्तों पसंद। वहीं अगर हम अगले वर्ड पर चर्चा करें दोस्तों, तो देखिएगा अगला वर्ड 119 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों पार्शियल, पार्शियली, देखिए पैट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, हर चीज आपको समझ में आएगी दोस्तों। ये वन वर्ड है और वन वर्ड को आप इसको लिख लीजिएगा, लिख के याद करेंगे तो एकदम याद हो जाएगा दोस्तों पैट्री, और पैट्री का मतलब हमने बताया था दोस्तों, पैट्री का मतलब होता है पिता, पैट्री का मतलब होता है दोस्तों पिता, और हमने एक वर्ड बताया था दोस्तों पैट्री, पैट्री साइड, तो दोस्तों पैट्रिसाइड का मतलब पिता की हत्या, और उसी से बना है दोस्तों पैट्रिलिनियल, और पैट्रिलिनियल का मतलब होता है दोस्तों पितृवंशी, रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू नाइसिप विथ द फादर, या फिर पितृवंशी। वहीं अगर हम बात करें मेमल्स, मेमल्स का मतलब होता है दोस्तों स्तनधारी, मेमल्स का मतलब होता है दोस्तों स्तनधारी, और वहीं अगर हम आगे चर्चा करें दोस्तों मेमल्स का मतलब स्तनधारी, या फिर एनेमियाज विच शकल डियर यंग, या फिर दोस्तों उसे स्तनधारी कहते हैं। तो ये हम लोग दोस्तों आज 20 वर्ड डिस्कस किए, और हम लोगों का टारगेट 100 वर्ड है दोस्तों, 5 दिन में हम 100 वर्ड पूरा कवर कर देंगे, और आप इसको दोस्तों लिख लीजिएगा एक बार, वीडियो और देख लीजिएगा, और आपको निश्चित दोस्तों अच्छा लगेगा। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, जय हिंद दोस्तों।